हमारी गाड़ी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्विस रिमाइंडर की। आजकल हर गाड़ी में सर्विस रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन उसको रीसेट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको हम घर पे बैठे ही रीसेट कैसे करें। ज़्यादातर हमारी गाड़ियों में जो हम रीसेट करवाते हैं सर्विस रिमाइंडर के लिए, वो हम करवाते हैं शोरूम से, और हमेशा उनको ही मालूम होता है कि सर्विस रिमाइंडर की को रीसेट कैसे करते हैं। और हम अगर ऐसे लोकल में सर्विस करवाते हैं तो वो लोग सर्विस रिमाइंडर को रीसेट करके नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे सिंपल है कि सर्विस रिमाइंडर को हम अपनी गाड़ी से कैसे हटाएं। मेरी गाड़ी है पैशन प्रो, उसको हटाने का और बहुत ही सिंपल है। ऑफ करें हम अपनी गाड़ी को, रीसेट की बटन दबा दें, थोड़ी देर के लिए उसको दबाए रखें जब तक हटता नहीं है रीसेट की बटन। वैसे तो मैं हटा लेता हूँ जैसे ही सर्विस रिमाइंडर आता है और सर्विस करवा लेता हूँ गाड़ी। लेकिन आपकी गाड़ी में ज़्यादातर, कुछ गाड़ियों में जैसे कि बजाज की डिस्कवर्स में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है कि उसमें मोड भी रहता है और रीसेट भी रहता है। रीसेट आजकल हर गाड़ी में आ रहा है, लेकिन डिस्कवर्स में ज़्यादातर मोड भी रहता है। सिंपल है, आप रीसेट को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करें, और जब ब्लिंक करने लगे सर्विस रिमाइंडर उसके बाद आप उसको मोड कर दें। अब मैं गाड़ी को चालू करूँगा, ये इसको फिर भी अपने को दबाए रखना है। फिर यहाँ पे ये जो है इधर साइड, यहाँ सर्विस रिमाइंडर आता है। मेरी गाड़ी का वैसे तो हटा हुआ है, हटा दिया है, यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर लिखा हुआ आता है। जस्ट आपको ये सर्विस रिमाइंडर, जब आप ये रिसेट की बटन दबाते हैं, यहाँ दिख रहा है ये लिखा हुआ है रिसेट, क्लियर आपको नहीं दिखा पा रहा होगा, यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर लिखा हुआ आता है। आपको कुछ नहीं करना है, जब वो ब्लिंक करने लगे आपको इसको रिसेट की बटन को छोड़ के फिर से दबा देना है, वो अपने आप यहाँ से हट जाएगा और गाड़ी को आप ऑफ कर दें, देन स्टार्ट कर दें, गाड़ी का सर्विस रिमाइंडर हट जाएगा यहाँ से। जस्ट सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये। थैंक यू।